तो आज हम लोग करने वाले हैं बटर के रिव्यू। तो ये कौन कौन सा बटर है ये बताएंगे हमारे मित्र। ये अमूल बटर है सॉल्टेड वाला, ये वाला ना जो सबसे पुराना वाला तो पहले से आ रहा है। हाँ ये सॉल्टेड है और पीले वाला ना ये। जी बिल्कुल ठीक है, पीले वाला है प्रोसेस बटर जो पैस्चराइज बटर होता है। ये पैस्चराइज है और ये ठीक है। और ये है कुकिंग बटर, ये वाला ना ये कुकिंग बटर है। कुकिंग बटर है ये, रंग में तो पीला ही होता है लेकिन इसमें नमक नहीं होता बिल्कुल। अच्छा, और ये कुछ भी सब्जी वगैरह आप बनाना चाहें तो उसके लिए कुकिंग के लिए बेस्ट बटर है। हाँ ये कुकिंग के लिए खाने वाने में अगर डालना चाहे ना इसको डालिए। और ये जो बीच वाला नमक भी नहीं होता इसमें। और ये वाला मक्खन है ये बिल्कुल किशन जी वाले रंग में है, बिल्कुल वाइट रंग में जैसा किशन जी खाना पसंद करते थे। देखिए इस पर फोटो भी बनी है उस तरह की, वो जो कुल्लड़ में जैसे मक्खन होता था कृष्ण जी खाया करते थे चुरा चुरा। हाँ ये जो कृष्ण भगवान जो खाते थे वाइट वाला, ये वैसे नेचुरल जैसा पूरा, ये बिल्कुल एकदम नेचुरल टेस्ट है, नमक रहित बिना किसी प्रोसेसिंग के। सबसे अच्छा ये आ रहा तीनों में, कहूँगा सबसे अच्छा ये वाला है, सबसे अच्छा बीच वाला है। इसमें फैट कंटेंट भी कम रहता है और रेट भी हम दे सकते हैं, रेट में रेट थोड़ा 1 रुपया महंगा देते हैं ये, क्योंकि 1 रुपया महंगा लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा है ज़्यादा। तो आप ये वाला चूज़ करिए। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय।